हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। जो नौकरी आया है वो जोरहाट के लिए नौकरी आया है, जहाँ पे MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसी आया है इसके लिए। जोरहाट का जो RFRI यानी कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट RFRI, इसके लिए यह नोटिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बिना स्किप के पूरे वीडियो देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, जो कुछ भी है, मैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताऊँगा आप लोगों को। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया गया है RFRI जोरहाट रिक्रूटमेंट 2022। इसके लिए जो पोस्ट आया है, पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। इसके लिए टोटल पोस्ट आया है 1 पोस्ट और SC के लिए रिजर्व्ड है। पे स्केल दिया गया है, इसका सैलरी दिया गया है 18,000 से लेके 56,000। एज लिमिट दिया गया है 18 से अगर कम हो या 27 से अगर ज़्यादा हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि 18 से लेके 27 तक उन कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC जो SC कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट बी 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंडिडेट्स को इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि मेट्रिक पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस दिया गया है, मस्ट हैव 3 ईयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। इस ट्रेड से कैंडिडेट्स का 3 ईयर्स और इसके ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस हो तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है हाउ टू अप्लाई फॉर RFRI जोरहाट रिक्रूटमेंट। RFRI जोरहाट रिक्रूटमेंट, इसके लिए आप लोग किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं। Interested and eligible candidate who fulfill all the requirements and are willing to serve anywhere in India may apply to the following address Assam along with self-attested copies of required documents। जो नीचे जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पे है, डायरेक्टर रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सताई देवान जोरहाट 785001। ये एड्रेस में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, आप लोग जो एप्लीकेशन भेजेंगे उस एप्लीकेशन के साथ आप लोगों का किस तरह की डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, आप लोगों का एक एज प्रूफ सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि अगर आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या मैट्रिक पास का जो एडमिट कार्ड हो वो उनमें से किसी एक सर्टिफिकेट देना होगा एज प्रूफ के लिए। सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी देना होगा। सर्टिफिकेट इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ सर्टेन बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट। SC का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी साथ में देना होगा। The envelope containing the application should be mentioned as application for the post of multitasking staff MTS। जो envelope आप लोग भेजेंगे उस envelope के ऊपर में आप लोग को clearly लिखना होगा application for the post of, इसके बाद लिखना होगा multitasking staff MTS, वो आप लोग को clearly mention करना होगा। Last date for receipt of application is 2/1/2023 for candidates of Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island। Andaman, Nicobar and Lakshadweep Island के लिए last date है 2/2/2023। और इसके अलावा जो आसाम का last date है वो आसाम का last date 17/1/2023, यानी कि 17 जनवरी 2023। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।